नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 24 न्यूज। मिर्जापुर जनपद में पहुंचे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव एवं उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री राजेश तिवारी ने आगामी चुनावों में सशक्त भागीदारी के लिए रायशुमारी की। मिशन कंपाउंड स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर बैठक कर विधानसभा उपचुनाव नगर निकाय के साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 पर चर्चा किया। कहा कि आप लोग जनता के बीच जाकर कांग्रेस की नीति और रीति के बारे में बताएं। मिर्जापुर से गुफरान अहमद की रिपोर्ट। आज सभी कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करने के लिए आए हैं और अपने उपचुनाव 96 विधानसभा का बाई इलेक्शन जो होना है, उसके साथ साथ नगरीय निकाय के जो चुनाव हमारे सामने है जिसकी तारीख अभी भी घोषित हो सकती है, इसकी तैयारी के लिए और उसके साथ साथ 2024 के जो हमारे जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा, उसकी तैयारी भी हम लोग आज से ही शुरू कर रहे हैं। और माननीय राहुल गांधी जी के साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनकी सदस्यता समाप्त करने का काम किया है, उनके आपराधिक प्रकरण दर्ज करके उनके भारतीय जनता पार्टी के ही एक विधायक ने जो काम किया है, ये पूरे देश के जनता के सामने बताने के लिए और उन बातों को लेकर हम जनता के बीच जाने के लिए यहाँ पे आए हैं। मंत्री जी, आप 96 विधानसभा की बात करें तो 5000 वोट पर सारी मिर्जापुर की कोई भी विधानसभा हो सभी पर कांग्रेस की मत होगी, तो कैसे चुनाव आप 96 विधानसभा का उपचुनाव है? कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि जब किसी राजनीतिक दल को कम वोट मिलता है। एक समय ये भी था कि सपा बसपा या भारतीय जनता पार्टी को भी 2000 या 5000 वोट मिला करते थे जब कांग्रेस को पूरा बहुमत मिला करता था। धर्म और जाति के नाम से लोगों को बांटने की वजह से ये चुनाव के नतीजे आए हैं, केंद्रित हो गया था चुनाव। लेकिन अब जो है पूरे प्रदेश की जनता इस बात को देख रही है कि अब धर्म और जाति के आधार पे हमको बहुत वर्षों तक ठगा गया है, छला गया है और उसके एवज में जो है हमको बेरोजगारी मिली, भ्रष्टाचार मिला, महंगाई मिली, शोषण और अत्याचार मिला, विकास के काम अवरुद्ध हो गए हैं। तो अब जनता जो है उनसे, भारतीय जनता पार्टी से उग चुकी है और फिर से कांग्रेस की तरफ विश्वास भरी नजरों से देख रही है। हमें उम्मीद है कि उसमें नतीजे बेहतर आएंगे।